सो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राय कैब्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप घर बैठे और घर से ही कुछ ऑनलाइन और कुछ बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो 8-10-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, और किसी भी प्रकार का आपको वहां पे कोई लॉस नहीं होने वाला है, और एट लास्ट आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आज का जो समय है, जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जो लोगों की जॉब चली गई है, जो लोगों के बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, वो आज एक ऐसी सीख यहां से लेके जा सकते हैं कि वो भी घर बैठे अपना एक नया बिजनेस कर सकते हैं, या जो भी उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें वो तरक्की हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन में हमारे साथ क्या हो रहा है, हम आज जो भी चीज़ें जानते हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी लिखी हैं, जिस चीज़ में भी आपका नॉलेज है, वो चीज़ें ठप सी पड़ी हुई हैं, ये चल भी रही हैं, तो उसमें कैसे ग्रोथ हासिल करें, किस तरह से जो हमारा बिजनेस अभी रुका हुआ है, जहां पे आके अटक गया है, उसको वहां से कैसे निकालें। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि हमारे पास कमाने के, बिजनेस करने के 3 माध्यम हैं। या तो हम कोई अपना प्रोडक्ट बेचें, कस्टमर तक अपना कोई प्रोडक्ट है जो पहुँचाएँ, या फिर हमारे पास कोई सर्विस है जो हम कस्टमर तक अपनी सर्विस पहुंचाएं, या फिर हमारे पास बसता है एक प्रोफेशन कि अगर हम कोई डॉक्टर हैं या वकील हैं या किसी भी प्रकार का हम कोई GST की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए हम अपने कस्टमर तक पहुंचें। ये 3 चीज़ें आज के डेट में मेन हैं, जिसमें हम आज बिजनेस कर सकते हैं और अपने कस्टमर तक पहुँच के कमाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे, आज तक आपने नॉलेज सीखी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, मैं कुछ खास नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हीं चीज़ों को आपको यूज़ करने का एक तरीका बता देता हूं, जिसको आप देखिए, सुनिए और उस पर अमल कीजिए, और आने वाले दिनों में, मतलब मैं इसमें आपको बता भी नहीं सकता हूं कि आप कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और वो भी बिना किसी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। दोस्तों देखिए, आज आपके पास ना सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन है, या आप कोई भी सर्विसेज बेच रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपके पास होना चाहिए एक गूगल का माई बिजनेस ऐप। गूगल का माई बिजनेस ऐप इतनी अच्छी चीज है दोस्तों, उसको जाइए प्ले स्टोर या गूगल की वेबसाइट पे जाके माई बिजनेस डालिए, और उस पर आप अपने किसी भी, जो भी आपके पास नॉलेज है, जिस काम को भी आप जानते हैं, उसको आप ना रजिस्टर कर दीजिए, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है, विद इन आप 15 से 20 मिनट या 1 घंटे में अपना पूरा वहां पे डेटा डाल सकते हैं, जिससे गूगल पे आपकी एक पहचान बन जाएगी, जिससे आप गूगल पे जाने जाएंगे कि आप क्या काम करते हैं। दोस्तों, जब आप गूगल माई बिजनेस पे अपना बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हैं, तो गूगल आपके बिजनेस को प्रेजेंस देता है ऑनलाइन, आपकी गूगल पे एक लिस्टिंग करता है, उससे क्या होगा, मतलब गूगल पे अपने आप को लिस्ट करके आप, या आपने कर भी रखा होगा, लेकिन उसमें बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको करनी होगी 2 चीजें। सबसे पहली चीज, आपको अपने डेली बेसिस पे जो भी आप काम कर रहे हैं उसके कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस उस गूगल माई बिजनेस पे आपको अपलोड करने होंगे, जिससे गूगल वो प्रमोट करेगा फ्री में आपकी चीजों को, और जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उस बिजनेस को, उसके सामान खरीदने में या उसकी सर्विस लेने में, उन तक उसको पहुंचाएगा, जिसके लिए आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आपका डेली का जो भी एक पोस्ट, कम से कम उस गूगल माई बिजनेस पे अपना फोटो या वीडियो आप भेजिए। जब आप ये काम कर देंगे, तो उसके बाद आपको करना होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप बनाइए अपना एक गूगल के साथ व्हाट्सएप का भी बिजनेस अकाउंट। व्हाट्सएप का पर्सनल एक अकाउंट होता है, एक व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होता है। बिजनेस अकाउंट आप यूज कीजिए दोस्तों, उसके बहुत से फायदे हैं। आई थिंक आप लोग बहुत यूज भी करते होंगे, लेकिन उसके बेनिफिट्स आप लोग उठाते नहीं हैं। जब आप WhatsApp का बिजनेस यूज करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि किस तरह से हम WhatsApp को और भी बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन याद रखना, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया दोस्तों, तो इसके आगे वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा बिजनेस रिलेटेड। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो और भी कमाने वाले ऑनलाइन और घर बैठे कमाने वाले बिजनेस मैं आपके लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, जब आप WhatsApp का बिजनेस बना लेंगे और Google का माई बिजनेस बना लेंगे, तो आपके पास होगा क्या कि आज के डेट में कस्टमर को चाहिए चीजें खरीदनी है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं चल पाता है कि किससे खरीदें, और कस्टमर चाहिए दुकानदार और बिजनेसमैन को। दोनों का जब मिलन हो जाएगा, तो हमारा फायदा होगा और कस्टमर का भी फायदा होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक।
तो गूगल माई बिजनेस पे एक ऐसी भी सुविधा है जिसमें आप एक बटन दबा के डेली बेसिस पे आप अपना कुछ प्रचार कर सकते हैं, कुछ 50, 100, 200, 500 रुपए दे के जो भी आपको अच्छा लगे वहां पे आप गूगल को पैसे दीजिए और गूगल बताएगा आपको कि कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है आपके सर्विस लेने में, उसके तक आपकी वेबसाइट और आपकी लिस्टिंग और आपके बिजनेस को आगे ले जाके रखेगा, जिससे कि आपके पास मिलेंगे वो लोग, वो ग्राहक जिनको आवश्यकता है उन चीजों की, जिनको वो चीजें खरीदनी है, जिनको इंटरेस्ट है आपकी सर्विसेज में। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में क्या होता है, आपने देखा होगा आपके पास लाखों फोन आते हैं कि बैंक से आएंगे, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, और दुनिया जहान के फ्रॉड कॉल्स आते हैं। लेकिन मुझे जो आज के डेट में लगता है ना दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज बिजनेस में ना आज के डेट में आप बेच नहीं सकते हैं कि जब कस्टमर को जरूरत हो वो आप तक पहुंचे तो आपसे ले लेगा, आपको जरूरत है और दुकानदार आप तक पहुंच रहा है, आपके घर आ रहा है, आपको फोन कर रहा है, तो वो चीजें 50% चांस मान के चलिए कि नहीं बिकती हैं। तो आपको करना क्या है, अपने आप को कस्टमर तक पहुंचाना है, जो आपका काम आपको ना करके गूगल करेगा। और कितने में, रोज के 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। जब इतने कम पैसे में आप गूगल को दे के कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना आप अपने मान के चलिए 100 रुपए भी रोज खर्च करते हैं तो महीने का 3000 खर्च कर रहे हैं, और 3000 में आप घर बैठे गूगल को काम पर लगा सकते हैं आपके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, सभी प्रकार के बिजनेसेस आप वहां से कर सकते हैं। और जिस तरह से आप इस बिजनेस को करते जाएंगे और आपकी अगर आमदनी महीने की 10,000-20,000 बढ़ती जाएगी, तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है। वहां पे आप फ्री में वेबसाइट तो आपको एक गूगल पे मिलती ही है, लेकिन जब तक आप 10,000-20,000 पे हैं तो वो चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर आप उसमें ग्रोथ हासिल करते हैं तो उसके बाद क्या करना है, उसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि हमें इसके बाद बताइए आप क्या करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारे पास क्या जरूरत होती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, किस तरह के ग्राहक कहां पाए जाते हैं ये जानना। अब मुझे ये बताइए आपका किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप की सर्विसेज है कमेंट में, तो मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि आपका प्रचार कहां बेस्ट होगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपके ग्राहक ज्यादा मिलेंगे और कहां से आपका ज्यादा जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न आएगा। दोस्तों कस्टमर भी आज के रेट में चाहता है कि मैं एक अपना जो भी चीजें खरीदूं अपने नजदीकी लोगों से खरीदूं, लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करना चाहता है। तो जब आप गूगल माई बिजनेस पे अपनी लिस्टिंग करते हैं तो गूगल आपके नजदीकी ग्राहक को आप तक पहुंचाता है। जब कस्टमर आपसे डील करता है, लोग आपसे कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वहां पे वो उसकी रेटिंग रिव्यूज भी दे सकते हैं, जो आपके आने वाले दिनों में आपके ही बिजनेस को बढ़ाता है। सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपका अपना कस्टमर बन रहा होता है, क्योंकि जब भी आप कहीं और काम करते हैं, अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेस में है तो आप जाके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपनी लिस्टिंग करते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जाके आप लिस्टिंग करके उनके ऐप से आप कस्टमर लेके आते हैं, तो एंड कस्टमर को उन्हीं का होके रह जाता है, आप बस एक सर्विस देते रहते हैं। लेकिन यहां पे आप जब काम करेंगे तो आपके साथ आपका ग्राहक आपके लिए हमेशा के लिए बना रहेगा, जिसको आप बार बार सामान बेच सकते हैं एक बार खर्च करके लाके। तो दोस्तों इस बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से इसमें और ग्रोथ हासिल करें, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसको मैं अगर ब्रीफ करूंगा तो, और आप मुझे कमेंट में बताइए आपका किस चीज का काम और किस किस चीज के काम को आप कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज वीडियो हर एक काम की मैं आपको बना के दूंगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ हासिल करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। खासकर मैं राय कैब से बात कर रहा हूं आपसे, तो हम टैक्सी के बिजनेस में हैं, तो जो भी हमारे टैक्सी के संबंधित बिजनेस हैं, टैक्सी से संबंधित ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। वो अपनी लिस्टिंग ऑनलाइन करें, जिससे उनके ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगी, ऑनलाइन में रिव्यूज मिलेंगे उनके, जिन्हें दिखा के वो एक नए नए कस्टमर्स ला सकते हैं और अपने बिजनेस को ही आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, प्लस जो उनको कस्टमर दूसरे के द्वारा ढूंढना पड़ता है वो उनके खुद के कस्टमर बन सकते हैं। तो दोस्तों गूगल माई बिजनेस पर अपने आपको रजिस्टर कीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस का आप अकाउंट अपना बनाइए, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट करना है, किस तरीके से आपको अपने कुछ पैसे खर्च करके उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें सच में चीजों की जरूरत है, क्योंकि जिनको जरूरत है वो आपको 100 की चीज 110 में भी ले लेंगे, और जिनको सामान की जरूरत नहीं है उनके तक आप पहुंचते रह जाना 100 की चीज 50 में भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों लेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये नया चैनल है, बहुत कम हम लोग सब्सक्राइबर हैं, लेकिन बिजनेस की जितनी भी रिलेटेड जानकारियां हैं, जितने भी बिजनेस के ग्रोथ हैक्स हैं, वो मैं आपको देता रहूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।